बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है और इसे लेकर हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बात करें तो विसर्जन घाट पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं पंडालों में आज भी महिलाओं ने सिंदूर खेला और इसके साथ ही मां को विदाई दी है। तस्वीरें हम आपको जमशेदपुर से दिखा पा रहे हैं जहां इस वक्त माता को विदाई दी जा रही है। और देखिए 9 दिनों तक माँ की आराधना करना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोग तैयार करना, उनके पसंद की सारी चीज़ें करना, यहां तक कि हम कहते हैं कि माँ के आगमन से लेकर उनके विदाई तक हम माँ के उन हर पसंदीदा चीज़ों को सामने रखते हैं ताकि माँ प्रसन्न हो और अपनी कृपा हम भक्तों पर बनाए रखें। 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है और आज बेहद भावुक पल होता है जब 9 दिनों तक कहते हैं कि माँ अपने घर आती हैं और उसके बाद आज उन्हें विदा किया जाएगा। कई जगहों पर विसर्जन हो चुका है और आज ये जमशेदपुर की हम आपको फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां माँ का विसर्जन हो रहा है। दूसरी पहलू अगर हम बात करें तो व्यवस्थाओं की जो तैयारियां की गई थी वो बेहद खास है, क्योंकि आप भीड़ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंच रही है। हाँ, ठीक है, ठीक। मनोज शायद हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज पहुंच रही है कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं। काफी भीड़ है, माता के विसर्जन में लोग शामिल हो रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आज सभी माँ के आशीर्वाद के लिए कतारबद्ध हैं ताकि माँ अपना आशीर्वाद हम भक्तों पर बनाए रखे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम विसर्जन घाट पर तैनात है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और लोग माँ को सच्चे मन से विदा कर सकें ताकि माँ अगले साल वापस से जरूर आए और ढेर सारी खुशियां कामना लेकर आए। सिंदूर खेला भी हमने देखा था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बंगाली समुदाय में ये मान्यता है कि जब कोई बेटी अपने घर से विदा होती है तो उसे सिंदूर लगाकर विदा किया जाता है, सदा सुहागन के लिए आशीर्वाद दी जाती है और यही मान्यताएं आज भी बरकरार है कि मां जब अपने घर से वापस जा रही होती हैं तो उन्हें सिंदूर लगाकर उन्हें विदा किया जाता है। और ऐसे में सुहागन महिलाएं भी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सदा सुहागन रहने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगती हैं, सुख शांति मांगती हैं और माँ से ये कामना करती हैं कि माँ आप अगले साल भी जरूर आइएगा, ढेर सारी खुशियां और शांति लेकर हमारे जीवन में आइएगा। मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं, मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही है, माता को विदाई दी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन के लिए, टीम के लिए, क्योंकि भारी भीड़ है वहां पर। निश्चित तौर पे अगर अब वहां का लोग दीदार कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी मूर्ति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन सबसे अलौकिक दृश्य जो
साक्षी को चक्कर का देखने को मिलता है। एक बार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए माँ का मूर्ति जो है वो अब सोनरेखा नदी की तरफ कूद कर चुका है। ये बड़े से टेलर पकड़कर बॉक्स बजाते हुए झूमते नाचते गाते माँ को विदा लोग कर रहे हैं। और हालांकि लोग जब विदा करते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे बेटी की विदा किया जाते हैं, अंदर में कहीं ना कहीं रूख रहता है, एक ये रहता है कि सबसे पहले विदा कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में लोग अपने माँ को विदा कर रहे हैं और साथ साथ उनके दर्शन के लिए जो लोगों की भीड़ है वो देखते बन रही है। नाश्ते पहुंचेंगे और उसके बाद अपने मूर्ति का जो है वो विसर्जन किया। इतने लोगों की भीड़ है, अब आप समझिए कि पूरे जमशेदपुर 340 लाइसेंसेस दुर्गा पूजा के, और टोटल अगर करें तो 500 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल जो है यहाँ पर पूरे जमशेदपुर में होता है। तो सारे के सारे पंडाल का विसर्जन जो है, मूर्ति का विसर्जन अब शुरू हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप अगर लेट होगा तो निश्चित तौर पे आप पे कार्रवाई होगी, उन कमिटी पे कार्रवाई होगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, एनडीआरएफ की टीम को घाट पे लगाया गया है, साथ साथ गोताखोर भी है। वहीं पूरे शहर में अगर कहें जहां से प्रोसेसिंग निकल रहा है, मूर्ति का विसर्जन का जो प्रक्रिया है चल रहा है, यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सादे लिबास में भी पुलिस और साथ साथ अपने वर्दीधारी भी पुलिस फोर्स है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। और यही कारण है कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन सुसज्जित होकर लोग जो है माँ का दर्शन कर रहे हैं, माँ से आशीर्वाद मांग रहे हैं और साथ साथ लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अमुक पंडाल का मूर्ति जब इस रास्ते से गुजरेगा तो कम से कम हम दर्शन करेंगे। वैसे भी जमशेदपुर का ट्रेंड रहा है कि जो ढोल नगाड़ा होता है जो वो सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं पश्चिम बंगाल से माँ की सेवा करते हैं ये बात ही अंतिम है। तो आप समझ लीजिए आज अंतिम दिन है, विसर्जन का समय है और विसर्जन की प्रक्रिया में नगाड़े नाचते गाते अभी ये घाट तक पहुंचेंगे। वैसे हम थोड़ा दाहिने तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की वहां पे रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियां हैं भगवान न करे तो वो कम से कम निपटा जाए और वहां पर एम्बुलेंस है उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। एमजीएम अस्पताल और टाटा का जो दो अस्पताल है डीएमएच और टाटा मोटर, इन तमाम अस्पताल में बेड खाली कर दिया गया है कि भगवान न करे कोई अनहोनी हो तो कम से कम रेस्क्यू करकर वहां पहुंचाया जाए। तो प्रशासन के तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल है ताकि गड़बड़ी न हो, लोग सुसज्जित ढंग से माता का विसर्जन कर सके और सीधे नाम के गाते लोग पहुंचे। एक बड़ा सा मूर्ति है मेरे माया ताई दिखाने की कोशिश करेंगे। लगता है कि ये काली पूजा कमेटी दुर्गा पूजा काली पूजा कमेटी का विसर्जन जो है एक एक करके होता है और प्रशासन साफ तौर पे कोई यहाँ पे कमेटी है यानी सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी, उनको इन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि आप सभी पंडालों को साफ निर्देश दे दे कि वो समय से पहले वो जाकर अपनी मूर्ति का विसर्जन कर ले। प्रशासन की तरफ से जो घाट पर व्यवस्था की गई है वहाँ पर सीधे तौर पर वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं फोर्स और फोर्स के साथ साथ जवान को लगाया गया है ताकि मूर्ति उतारने में परेशानी न हो। कुछ वैसे कर्मचारी को लगाया गया है जो मूर्ति उतारने में अगर परेशानी हो तो उनको सहयोग करे। वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां जेसी भी लगाया गया है चला जाए। तो ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न विसर्जन करने वाले लोगों को हो और ना ही उन भक्तों को हो जो माँ का दर्शन करने के लिए बैठे हैं। वैसे जमशेदपुर के तमाम इलाकों से यही वो जगह है साक्षी गोलचक्कर, जहाँ से माँ के प्रतिमा का विसर्जन का नजारा लोग देखते हैं और यही से लोग निकलते रहते हैं। एक लंबा सा मेरे आगे की तरफ दिखाने की भीड़ देखकर आप समझ सकती हैं कि वाकई ये जो लोगों के अंदर उत्साह उल्लास उमंग और एक विश्वास है वो विश्वास बयां कर रहा है कि माँ अब एक साल बाद जब तू आएगी, लेकिन उससे पहले अब आशीर्वाद देकर जाओ कि एक साल तक समृद्ध कायम
कायम हो और शरीर निरोग भी रहे, ये लोग मानता है और ये लोग मानते हैं। और साथ साथ दूर दूर से आकर माँ का दर्शन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। 10 दिनों तक इस बार माँ का भ्रमण, पंडाल का भ्रमण लोगों ने किया है, लेकिन आज 11वां दिन है जहाँ पर माँ का दर्शन करने के लिए लोग साक्षी गोलचक्कर पर एकत्रित है। पूरा बाजार बंद पड़ा है, लोग सिर्फ माँ के दर्शन के लिए सड़क पर निकल चुके हैं। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी लोग। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि माँ का आशीर्वाद लेना है, माँ का बिल्कुल मनोज भावुक क्षण होता है कि जब माँ को 9 दिनों तक का साथ रखा जाता है, उनकी आराधना की जाती है और आज जब वक्त है उन्हें विदा करने का भावुक क्षण है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो आप तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, विसर्जन की बेहद भीड़ है और ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है प्रशासन के लिए, विभाग के लिए। आप तस्वीरें दिखाते रहिए मनोज, एक बार राजधानी रांची का रुख करते हैं। चढ़ी तरफ आपको लिए चलते, जहां से हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, जिस तरीके से तस्वीर हमने जमशेदपुर से देखी, भारी भीड़ वहां पर विसर्जन के दौरान, राजधानी रांची की क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है चढ़ी तालाब? तरीके से चढ़ी तालाब में भी अभी फिलहाल दुर्गा माँ को यहाँ पर विसर्जित किया गया है। आरआर स्पोर्टिंग क्लब के कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर माता के मूर्ति को विसर्जित किया है। आज माता को विदाई दी है और जिस तरीके से विदाई दी गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरी SDRF की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद, ताकि कोई भी परेशानी यहाँ पर न हो। आप लोग सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे माता के विसर्जन के लिए, माता को आप लोगों ने विदाई दी, क्या कुछ कहिएगा? बहुत हम यही चाहते हैं कि अगले बार फिर आए, जिस तरीके से धूमधाम से लोग विसर्जन करें। संग्राम क्लब के सभी सदस्यगण, इस पूजा को बहुत अच्छे तरह सम्पन्न हुआ। हमारे जितने भी थे सीनियर और हमारे जितना भी सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी एक्टिव रहते हर साल और हम लोग धूमधाम से मनाते हैं दुर्गा पूजा। छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं विसर्जन को लेकर के, हम लोग उनसे भी बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है आज आप लोगों ने माता को विदाई दी है, क्या कहिएगा? अच्छा लगा। क्या आप सभी लोग काफी लंबा इंतजार करते हैं माता के आने का, आज आप लोगों ने विदाई दी है? बहुत दुख हो रहा है, अब अगले साल जल्दी माता का दर्शन हो इसका इंतजार करेंगे हम लोग। दीदी आप भी आप बताइए, आप क्या कहिएगा? आज माता को आपने विदाई दी है, माना जाता है कि माँ जब वापस लौटती है तो यही मनोकामना मांगी जाती है कि आप अगले साल फिर आना और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आना। देखिए, हर साल तो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते ही हैं, माँ अपने घर आती ही है, इसके कारण क्या होती है कि इतना हर सुशाल के साथ जो मनाया जाता है, इस साल भी वैसे ही मनाया गया। हम लोग यही आशा करेंगे अगले साल भी और हर साल ऐसे ही माता अपने घर आए और अपना खुशियाँ सबको बांटे, अपनी आशीर्वाद सबके ऊपर बने रखे, वो खुद भी खुश रहे और हमें भी खुश रहने दें, ताकि आगे चल के इस दुनिया का कल्याण हो और अच्छी तरह से। आज जैसे हम लोग आज विसर्जन किए हैं, अगले साल भी ऐसी माता का आगमन करेंगे और वैसे ही हम लोग विसर्जन भी करेंगे और धूमधाम से करेंगे। दुर्गा माता की जय। और कई और यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे और सभी लोग यहाँ पर एक ही नारा दे रहे, कई महिलाएं भी यहाँ पर है, कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस दिन को वो कैसे क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के। आज आप लोगों ने माता को विदाई दी है, क्या कुछ कहिएगा? एक तरफ तो खुशी भी है, एक तरफ दुखी भी है कि जो समय के अनुसार चलता है वो तो चलता ही है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और थोड़ा दुख भी है कि इतने दिन से माता थी, हम लोग इन्वॉल्व थे पूजा में, अब थोड़ा सा खराब भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं। पूजा देखिए, जब माँ आती है तो खुशी जरूर होती है, लेकिन माँ के जाने का गम भी जरूर होता है और यही आशा रहती है माँ से कि माँ जब अगले साल वापस से आए तो ढेरों खुशियां लेकर आए, सुख शांति लेकर आए, हम देशवासियों के लिए, हम लोगों के लिए। आप बने रहिए पूजा हमारे साथ। गिरिडीह एक बार आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, माता के विसर्जन का आज दिन और माता के 9 दिनों के पूजा की आज समाप्ति और मां के विसर्जन के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी। देखिए, 9 दिनों के नवरात्रा के बाद कल यानी कि शनिवार से माता की प्रतिमा के विसर्जन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है।
कई स्थानों पर कल विसर्जन किया गया था, बहुत से प्रतिमाओं को आज विसर्जन किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए सुष्मिता, हम आपको दिखाएंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरोवर जो कि शहरी इलाके का सबसे प्रमुख सैलाब है, जहां पर इसी नाव के माध्यम से मां की प्रतिमा को बीच तालाब में ले जाया जाता है। सुरक्षा के एहतियात को लेकर जिला प्रशासन ने इस नाव का निर्माण कराया है, जिससे प्रतिमा को इसके बीचों बीच ले जाया जाता है, फिर जाके विसर्जन किया जाता है। और यहाँ पर प्रशासन के लोग, जो पुलिस के लोग हैं, वो भी मौजूद हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि अब शहरी इलाकों का भ्रमण करते हुए अब यहाँ पर जो है वो प्रतिमा पहुंचेगी। और इस स्थान पर शहर के जो भी प्रमुख पूजा पंडाल हैं, प्रमुख प्रतिमाएं हैं, उनका विसर्जन होना है। तो अब से कुछ ही देर में इस तालाब के पास में प्रतिमाओं को लेकर, क्योंकि पूरा शहर का भ्रमण कराया जाता है भक्तों को, कई सारे ऐसे भी पूजा पंडाल हैं सुष्मिता जिनकी प्रतिमा को कांधे पर ले जाया जाता है। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है जो अभी नाव की सफाई की जा रही है। अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पर पूजा पंडाल के लोग भी जो है समिति के वो पहुंच जाएंगे। पुलिस के कितने सुरक्षा क्या क्या इंतजाम किया गया है यहाँ पे? सुरक्षा का तो यहाँ बहुत ही अच्छा इंतजाम है, बहुत सारे यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और प्रतिनिधि किए गए। कब से प्रतिमा यहाँ आनी स्टार्ट हो जाती है? करीब 6-7 के बीच में हो जाती है। तो इसी नाव से ले जाए तो देखिए यहाँ पुलिस की मौजूदगी है, और पुलिस की मौजूदगी में ही सारी प्रतिमाओं को जो है सुष्मिता बीच तालाब में ले जाया जाता है नाव के सहारे, फिर उसका विसर्जन किया जाता है। तो जैसे जैसे अब चूंकि वक्त हो चला है, कई प्रतिमा शहरी इलाकों में वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, कई सारे। बिल्कुल श्रीकांत, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार जमशेदपुर आपको वापस से लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे ज्यादा भीड़ जो अभी फिलहाल हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो जमशेदपुर से ही निकलकर सामने आ पा रही है। विसर्जन की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं मनोज। निश्चित तौर पे यहाँ पर भीड़ तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 340 पूजा पंडाल, लगभग 500 पूजा पंडाल का भीड़ जो है कि सड़क पे निकल चुका है, और लोगों के अंदर उत्साह, उल्लास और एक आस्था है वो देखते बन रहा है। अभी यहाँ पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमर पूर्ण काले आ गए हैं लोगों का अभिवादन करने के लिए। पहले सांसद से एक बार रूबरू होते हैं और सीधे तौर पर हम जानने की कोशिश करेंगे सांसद से कि सांसद महोदय जो है वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अमरप्रीत सिंह काले हैं, पहले उनको ले लेते हैं, उसके बाद इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार निश्चित तौर पे हमारे, क्योंकि अभी संबोधन का चल रहा है। विसर्जन का समय है, क्या संदेश देंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जमशेदपुर शहर बहुत ही सुंदर शहर है, और पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में एकता का मिसाल हमेशा इसने कायम किया है। अद्भुत शहर है, और यहां पर देश का कोई राज्य, कोई धर्म, कोई वर्ग ऐसा नहीं होगा जो जमशेदपुर में बसता नहीं है, रचा हुआ नहीं है। हम एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में, सांस्कृतिक आयोजन में, सामाजिक आयोजन में आप देखेंगे कोई धर्म की, कोई समाज की बाधा नहीं रहती है। महादेव जी के चरणों में, माता रानी के चरणों में, प्रभु राम के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस शहर की जो तासीर है, जो एकता है, जो अखंडता है, समरसता है, भाईचारा है, यह सदैव के लिए बना रहे। और इसके लिए मैं समझता हूँ यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जितने हमारे मीडिया के हमारे सभी साथी हैं, इनका एक भरपूर योगदान रहता है। मैं महादेव से, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो जन सैलाब दिख रहा है, जिसमें कोई धर्म का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, वर्ग का भेद नहीं है, ये सुंदरता, ये पावनता सदैव बनी रहे, यही मैं आज आपके माध्यम से और बधाई देना चाहता हूँ जिला प्रशासन से लेकर के हमारे सभी श्रद्धालुओं को,
देखिए बच्चे छोटे छोटे माताएं हैं, लेकिन एकदम शांति से यह आयोजन हो रहा है। बहुत ही आज आनंद का क्षण है और आज विजय का दिन है। आज अपने वैसे तमाम कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता है, जहां अधर्म, जहां पर गलत चीजों से ऊपर उठ करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। सही आपने कहा, लेकिन हमारे साथ सांसद भी है, हम सांसद से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सांसद जमशेदपुर लौह नगरी अब पूरा भक्तमय हो गया। आज माँ के विसर्जन दशहरा के शुभ अवसर पर इसलिए लाखों आदमी आज विसर्जन में शामिल हुए, और जमशेदपुर का खैसियत है कि विभिन्नता में एकता होते हुए सभी पर्व इसी तरह मनाया जाता है। माँ से प्रार्थना करते हैं राष्ट्र समृद्धि के लिए, राज्य समृद्धि के लिए, परिवार और समाज समृद्धि के लिए सभी को आशीष दे, और इस महापर्व को हम लोग इसी तरह मनाते रहे, सुख शांति समृद्धि उन्नति का कामना करते हैं, ताकि हर एक परिवार को सुख शांति समृद्धि उन्नति दे, सभी परिवार खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा, फिर राज्य खुशहाल होगा, फिर राष्ट्र खुशहाल होगा। माँ से आशीर्वाद से ही नए भारत के निर्माण में हम सब भक्तजनों का सहभागिता से विश्व के पटल क्षितिज पर एक दिन माँ के आशीर्वाद से जरूर भारत नंबर वन पर बिल्कुल मनोज यही कामना है लोगों की, जिस तरीके से सांसद भी कामना कर रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद बना रहे, यही आशीर्वाद सभी लोग कामना कर रहे हैं। धनबाद एक बार लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता बंटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंटी, धनबाद की क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिल रही है विसर्जन के मौके पर? जी बता दूं कि मैं इस बार धनबाद के काफ़ी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ये तालाब है, पंपू तालाब के नाम से विकसित है, और कुछ देर में यहाँ पे जो शहर के मुख्य पूजा पंडाल के जो प्रतिमा है उनका विसर्जन इसी तालाब में किया जाएगा। जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा इस तालाब को चिन्हित किया गया, हालांकि जिस तरह से दावे हैं जिला प्रशासन का, लेकिन उनके तरफ से किसी भी तरह का कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन अभी जो प्रतिमाएँ हैं वो पंडाल से निकल कर शहर भ्रमण में लगी हुई हैं। लोग माँ के लास्ट विदाई में जो इतना अपना आस्था जता रहे हैं और का भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद इस तालाब में धीरे धीरे प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो जाएगा, और काफी संख्या में भीड़ भी यहाँ पर होती है, तो क्योंकि रात्रि 10 बजे तक विसर्जन का कार्यक्रम चलता है यहाँ पे, और लोग काफी आस्था के साथ भी आते हैं इस जगह पे। और खास बात बता दूं कि ये तालाब है कि अभी देख सकते हैं कि पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ, और ये नगर निगम के लिए भी एक कहे तो चैलेंज भी हो जाता है इस विसर्जन के बाद कि कैसे इसको तुरंत सफाई करें ताकि छठ पूजा यहाँ पे अच्छी से हो सके। बिल्कुल बंटी, जिस तरीके से आपने कहा कि शाम के बाद वापस से भीड़ बढ़ेगी, और उस दौरान भी कई ऐसे पंडाल के लोग वहां पर पहुंचेंगे मां के प्रतिमा को विसर्जन करने को लेकर, तो जिस तरीके से शाम ढलेगी तो उस चीजों को लेकर भी प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, क्या टीम वहां पर तैनात किए गए हैं? बंटी, हालांकि अभी तक तो जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं प्रशासन के कोई भी लोग यहाँ पर नहीं, ना ही किसी भी तरह से कोई सुरक्षा को लेकर तैराक की टीम या किसी को भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। लोग खुद ब खुद अपने सुरक्षा स्वयं कायम करके माता का नाम लेकर विसर्जन करते हैं और खुद विसर्जन करते हैं। जी बिल्कुल बंटी, एक बार वापस से संवाददाता पूजा का रुख कर लेते हैं, राजधानी रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, यही सवाल आपसे भी, क्योंकि देखिए राजधानी रांची में 9 दिनों तक किस तरीके से भीड़ रही है ये हमने और आपने देखा है। कई ऐसे पंडाल थे जहां पर मां के पट कई दिनों पहले ही खोल दिए गए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जैसे ही शाम चलेगी भीड़ अचानक से बढ़ेगी, तो उस भीड़ से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं विभाग की ओर से? देखिए प्रशासन की ओर से कई सारी तैयारियां यहां पर सुषमिता की गई है, ट्रैफिक को व्यवस्थित रखा जाए ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम लोग धुरवा की बात करते हैं तो धुरवा का पंडाल सबसे पहले खुला था, जो कि राम मंदिर यानी कि अयोध्या के तर्ज पर बना हुआ था। आज भी जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोग वहां पर पहुंच रहे थे, भले ही वहां पर माता का आज विसर्जन होना था, लेकिन लोग सुबह से ही वहां पर पहुंच रहे, दोपहर तक लोग वहां पर पहुंच रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और
वहां पर पंडाल को देख रहे थे, कहीं ना कहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी लोगों को अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है, प्रशासन को अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। शाम होते ही जिस तरीके से बड़े बड़े पंडालों की यहाँ पर मूर्तियां जो है वो बाहर निकलेगी विसर्जन के लिए, उसको लेकर के पूरी तैनाती की गई है। और खासतौर पर यहाँ पर जो पूरे तालाब है वहां पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया है, ट्रैफिक को उसी तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर गाने बाजे के साथ निकल रहे हैं उन लोगों के साथ भी कुछ टीम जो है वो एक साथ चलती हुई यहाँ पर पहुंच रही है। उसी क्रम में यहाँ पर भी कई सारे लोग पहुंचे थे, SDRF की टीम जो है सुष्मिता वो भी यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के मद्देनजर, और एक दायरा यहाँ पर बनाया हुआ है कि आगे ना बढ़े क्योंकि आगे पानी जो है वो गहरा है, इसलिए यहाँ पर सभी चीजों को देखा जा रहा है। और यहाँ पर एक व्यवस्थित तरीके से यानी कि यहाँ पर बांस लगा करके उसके बाद लोगों को यहाँ पर नीचे उतारा जा रहा है ताकि पानी जो है वो अगर ज्यादा गहरा होगा तो किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पूछा किस तरीके से ये तमाम तैयारियां हैं हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जमशेदपुर साथ साथ गिरिडीह राजधानी रांची और साथ ही धनबाद की तस्वीरें दिखाने के लिए कि विसर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है। धनबाद से हमारे साथ संवाददाता बंटी जुड़े हुए थे, जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज और गिरिडीह से श्रीकांत, और साथ ही साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता पूजा जुड़ी हुई थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। 9 दिनों तक मां की आराधना हुई है और आज वो वक्त जब मां को विदा दिया जा रहा है। ये तस्वीरें भी न्यूज 11 भारत आपको लगातार दिखाए।